हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग। होप करता हूँ आप भी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि माइनिंग, क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन क्या होता है। आपने कुछ ना कुछ सुना ही होगा कि मोदी जी बैन कर रहे हैं, या बैन हो सकता है, या आरबीआई नई करेंसी ला रही है। बड़ी सारी चीज़ें, जैसे कि हमने लास्ट के टू वीडियोज़ में देखा था कि हम बम क्रिप्टो पे अर्न करते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे, मैं माइनिंग भी करता हूँ साथ में, मेरा डिजिटल मार्केटिंग का वर्किंग है, पर साथ में मैं माइनिंग भी करता हूँ, क्रिप्टो करेंसी में डील भी करता हूँ। तो आज हम वही देखते हैं कि माइनिंग क्या होती है। देखो, ऐसे आपने को देखा होगा यूट्यूब पे बड़े सारे वीडियो जिसके अंदर क्या होगा, ऐसे रिग लगी रहती होगी, इसको बोलते हैं हम ग्राफिक कार्ड। तो आज हम हमारी मशीन पे चलते हैं कि मेरी मशीन क्या मेगाहर्ट्ज देती है और क्या अर्निंग देती है, उसके बाद हम बताएंगे काम कैसे करता है। तो चलते हैं हम मशीन के ऊपर। तो गाइज, ये है हमारी माइनिंग रिग छोटी सी, इसके अंदर अभी हमको जो मेगाहर्ट्ज आ रही है, मैं आपको स्क्रीन पर ले जाता हूँ। ये देखिए, इसका जो अप टाइम है, ये एक दिन 12 घंटे 50 मिनट 53 सेकंड से चल रही है, और इसके अंदर जो स्पीड आ रही है वो 153.5 आ रही है मेगाहैश, ठीक है। ये इथेरियम पे माइनिंग हो रही है। इसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स लगे हैं उसकी हम बाद में कर लेंगे। जैसे इसके अंदर मैंने चार पांच कार्ड लगा रखे हैं, ये एक दो तीन चार कार्ड तो नीचे और एक कार्ड मदरबोर्ड पे ही असेंबल है। और इसकी कूलिंग के लिए मैंने पंखे लगा रखे हैं। अभी हमारी छोटी सी माइनिंग रही है, एक रिग और ऐड होने वाली है। इसके लिए मैंने एक पावर सप्लाई और ऑर्डर की हुई है, और मेरे और कार्ड्स आ रहे हैं। तो चलते हैं हमारे वापस कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। ओके गाइस, अब देखिए जो मेरी मशीन दे रही है सर, वो दे रही है 153.5 मेगाहर्ट्ज, ठीक है। हम इलेक्ट्रिसिटी हटा देते हैं अभी। तो मुझे जो डेली का अर्निंग हो रहा है वो 10.87 हो रहा है। अब 10.87 विदाउट, अभी इलेक्ट्रिसिटी माइनस नहीं की है, इंटू 79 इंटू 30, यानी मुझे करीबन 25,000 पर मंथ का अर्निंग हो रहा है। अब इसके अंदर से अगर हम इलेक्ट्रिसिटी माइनस कर देते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी के लिए हम क्या कर देते हैं, रैपिड इलेक्ट्रिसिटी कैलकुलेटर खोल देते हैं। ठीक है, अब हम कहाँ रहते हैं, हम रहते हैं इंडिया में। क्या हमारा क्या है, डेस्कटॉप कंप्यूटर है। वॉट कितना लेता है, देखिए जो मेरे इसमें है वो 550 वॉट लेता है, पर हम 600 वॉट मान लेते हैं। टोटल 24 आवर्स चलता है। जो इलेक्ट्रिसिटी है वो 8 रुपये है, यानी करीब करीब 3,500 रुपये का मंथली मुझे बिल आ रहा है इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। अब अगर मैं इसमें से माइनस कर दूँ 3,500 रुपये, और जो रिग है वो 30 दिन कंटिन्यू नहीं चलती, कभी लाइट चले जाती है या कभी कुछ हो जाता है, तो इसमें से भी हम करीब करीब 3,000 रुपये और माइनस कर लेते हैं। इससे ज़्यादा कुछ नहीं कटता, यानी 19,000 रुपये समथिंग का मुझे प्रॉफिट हो रहा है। अब मैं माइनिंग जो कर रहा हूँ वो अप्रैल से कर रहा हूँ भाई। अब मैं आपको मेरा प्रॉफिट, अभी तक मुझे जितना अर्निंग हुआ है वो मैं बता देता हूँ आपको, कि मुझे जो पेमेंट रिवॉर्ड अर्निंग हुआ है अभी वो कितना हुआ है। देखिए गाइस, मुझे जो अभी तक टोटल अर्निंग हुआ है वो 0.64 इथेरियम हुआ है, ठीक है। मेरा जब पहला अर्निंग कब निकला था, 20 अप्रैल 2021 को मेरा पहला अर्न हुआ था 0.64। अब आज इथेरियम का रेट जो चल रहा है वो चल रहा है 336, ठीक है, 3,36,897 इंटू 0. कितना था भाई, 0.64, यानी मुझे 2,15,000 रुपये अभी तक अर्न हो चुका है बिफोर विथ इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी इसमें से माइनस कर देंगे, अदर एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे, तो आरओआई जो रहता है वो अभी का जो आरओआई चल रहा है वो अभी अराउंड 15-16 मंथ चल रहा है, ठीक है गाइस। अब जो इन्वेस्टमेंट की बात कर लेते हैं, जब मैंने इन्वेस्ट किया था तब उसका जो प्राइस था वो 2.5 लाख रुपये था। मैंने जो रिक परचेस करी थी वो 2.5 लाख रुपये में मुझे पड़ी थी अप्रैल में। अगर आज हम उसकी बात कर लेते हैं तो वो अराउंड 5 से 5.5 लाख रुपये हो गया। अगर आप 5.5 लाख रुपये का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको मंथ का 25-30,000 रुपये समथिंग आ जाता है आज के रेट के हिसाब। अब ये तो हो गया बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट। अब जो न्यू भी है उनके लिए क्या कर सकते हैं, देखिए गाइस, अब अगर हम माइनिंग रिग की बात कर लेते हैं, माइनिंग रिग कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, इसके अंदर जो मेनली कंपोनेंट रहता है, देखिए वो रहता है ग्राफिक कार्ड, सेकेंड रहता है मदरबोर्ड, थर्ड रहता है पावर सप्लाई, उसके बाद जो भी कंप्यूटर में लगता है वो सब चीज़ें लगती है इसके अंदर। जैसे हो गया ट्राइजर केबल, हो गई आपका कूलिंग फैन, हो गया रैम, हो गया हार्ड डिस्क, हो गई और क्या ये कैबिनेट हो गया,
जैसे मेरा जो आपने देखा था मेरे इसमें तो गाइस मैंने डायरेक्ट शू रेक पे लगाया है, अब ये जो है महंग रही है। अब हम ग्राफिक कार्ड के रेट की बात कर लेते हैं, तो ग्राफिक कार्ड अगर हम 1060 पे जाते हैं, 1660 सुपर पे जाते हैं, तो 1660 सुपर का जो रेट है वो 67,000 है। यानी अगर आप 67,000 का भी अगर एक लगाते हैं, परचेस करते हैं, और आपको 67,000 पे 32 मेगाहर्ट्ज़ आती है, 90 वॉट ले लेते हैं, वैसे तो 80 वॉट पे आता है, 90 वॉट ले लेते हैं, यानी जो आपका प्रॉफिट हो रहा है 2.24 हो रहा है विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, इंटू 79 इंटू 30। यानी अगर आप एक कार्ड से स्टार्ट करते हैं इथेरियम माइनिंग पे, 67,000 लगाते हैं और अदर कंपोनेंट जो रहते हैं वो आपके 30,000 में आ जाते हैं, यानी 67,000 प्लस 30,000 3,000 हो गया, 67,000 प्लस 30,000 यानी 97,000 का आपको कितना मिल रहा है प्रॉफिट, 4834। यानी मोटा मोटा 20 मंथ का आपको आरओई है अगर आप एक कार्ड लगाते हैं तो। अब गाइस देखिए, जैसे ये जो रेट है, अगर ये 3 की जगह 5 हो जाता है तो आपका जो आरओई टाइम है वो कम हो जाएगा। अब अगर ये 3 की जगह 1 हो जाता है तो आपको आरओई टाइम बढ़ जाएगा। ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है गाइस, और इथेरियम जो है ऐसा बोल रहे हैं कि 8 महीने बाद बंद होने वाला है, पर मुझे ऐसा लगता है कि वो और बढ़ेगा, क्योंकि अभी दिसंबर में बंद होने वाला था वो, पर दिसंबर में बंद नहीं हुआ, उसके पहले जून जुलाई में इथेरियम ईआईपी लागू हो चुका है, इससे थोड़ा प्रॉफिट कम हो गया है। जो डिफ़िकल्टी चल रही है वो अभी 11 चल रही है, जब मैंने स्टार्ट किया था ये तब 4 पे थी, 4 और 5 पे थी ये डिफ़िकल्टी, अब 11 हो चुकी है, यानी डिफ़िकल्टी जो लेवल है वो डबल हो चुका है गाइस। तो आप 1,00,000 का अगर आपका एक बजट है मोटा मोटा, तो आपको अराउंड 5,000 रुपये समथिंग का आरओआई, मतलब मंथली प्रॉफिट हो जाएगा अगर आप 1,00,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं। अब गाइस आपको परचेस कहाँ से करना है ग्राफिक कार्ड, देखिए आप अमेजोन से परचेस कर सकते हैं, या आपके नियरेस्ट स्टोर पे जहाँ पे ग्राफिक कार्ड का रेट सस्ता पड़ रहा हो आप वहाँ से परचेस कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी रिक्वायरमेंट हो, माइनिंग से रिलेटेड इंक्वायरीज हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। आज के वीडियो में गाइस इतना ही, मेरा जो प्रॉफिट आ रहा है वो 25K आ रहा है, क्योंकि मैंने जो इन्वेस्ट किया था वो अप्रैल में किया था, और आज के हिसाब से अगर मैं इन्वेस्ट करूँगा तो 5.5 लाख रुपये का अगर इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो 25,000 रुपये समथिंग का मुझे आ रहा है, यानी 5% का आरओई है, मतलब मंथली प्रॉफिट है 5% का रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है गाइस, आज के वीडियो में इतना ही गाइस, ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड फॉलो करें। बाय बाय गाइस।